एडिशनल क्वेश्चन बैंक का फर्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारे पास. ओके, सोल्व इक्वेशन आर वैल्यूज ऑफ एक्स. हमें इक्वेशन को सोल्व करना है और वैल्यूज ऑफ एक्स बतानी है. भाई कौन सी इक्वेशन है? सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, सभी को पता है इस चीज का, ठीक है ना बात. लेकिन अब हम क्या करेंगे, फैक्टर नहीं बढ़ाने वाले यहाँ पे, क्योंकि हमें पहले ही क्या दे रखे हैं, इसके रूट्स दे रखे हैं, ठीक है ना बात. सबसे पहली बात, ऑप्शंस हमेशा क्वेश्चन कंप्लीट करके ऑप्शंस पहले पढ़ेंगे, आफ्टर दैट चलेंगे हम सॉल्यूशन पे, ठीक है. इस बात का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि हमें जो क्विक मेथड अप्लाई करना है. इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे? दो, ठीक है बात. पहली बात तो ये दोनों, लेकिन नन दे रखा है इसमें, तो उसे भी हमें, उसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है ना बात. क्योंकि हो सकता है यहाँ से कोई और कंडीशन निकल आए. तो दूसरी बात, हमने जो इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना बात. अब मेरे पास ऑप्शन नंबर ए बचता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया भाई? हमें चाहिए क्या, ठीक है ना बात. दैट्स ऑल, क्लियर है सभी को, आगे की बात समझ में. एंड सम ऑफ रूट्स a प्लस b, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज राइट, क्लियर. अच्छा भाई, सेकंड पे आ जाओ. और क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉल्व द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135 इज इक्वल टू जीरो. हाँ बच्चे, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ. हाँ भाई, क्या करना चाहिए हमें? पहले तो रूट्स लिखते हैं ताकि हम क्विक कर सकें. 9, 6, बी है हमारे पास 9, 15, सी है वही हमारे पास 15, 6, एंड डी है 9 of 3. ओके, क्लियर. तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे भाई यहाँ पे, इक्वेशन, यस, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स. तो कितना आना चाहिए? 135. हमें चाहिए क्या है भाई? 135. वी वांट टू 135, ठीक है ना बात. अब यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को देखता हूँ मैं, 9 into 6, तो क्या करता हूँ, ठीक है बात, क्लियर है. सेकंड पे आते हैं, 9 into, दैट मीन्स वी गेट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, मुझे कितना मिल गया, ठीक है बात. एंड इट्स आल्सो 90, ठीक है बात. तो इसका मतलब तुम क्या कह रहे हो कि ये ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है. अब दूसरी कंडीशन क्या चेक कर सकते हैं भाई हम? सम ऑफ फ्रूट्स, ठीक है ना बात. सम ऑफ फ्रूट्स कितना होना चाहिए हमारे पास? 24. 9 plus 15, वी गेट 24. क्लियर है भाई? ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, थर्ड पे. हाँ भाई, सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका तुम्हें, इजी के लिए, ठीक है ना बात. तो सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना बात. रूट्स देख लेते हैं, x बाय में b प्लस डी बाय x इज इक्वल टू ए बाय बी प्लस डी बाय ए, ठीक है. अच्छा भाई, स्टार्ट करोगे नेक्स्ट, आ जाओ, तुम बताओ क्या कर रहे हो. कर लिया है सॉल्व, ठीक है बात. हाँ भाई, हो गया. ये किसका रहता है? ये क्वेश्चन नंबर थर्ड करो, स्टार्ट करो फिर. क्यों रहता है? ऑप्शंस लिखो पहले इसके, ए एंड बी स्क्वायर बाय में ए, बी ऑप्शन है भाई इसका, ए स्क्वायर बी बाय ए स्क्वायर, सी ऑप्शन है भाई इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय में ए, ओके, डी है ए एंड बी स्क्वायर. अब हमें ये देखना है, क्या मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करूं भाई पहले? अब तुम्हारे पास सभी मेथड्स हैं. पहली बात तो क्या है, अगर मैं इसे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करता हूं तो एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके करेंगे एंड मल्टीपल ऑफ दिस, बोथ साइड टेक एलसीएम, ठीक है बात. लेकिन अब थोड़ा सा क्या होगा उससे, कि पहले मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी मुझे, आफ्टर दैट सम ऑफ फ्रूट्स को ऑब्जर्व करूंगा, एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को करूंगा, और फिर यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट्स करके देखूंगा. तो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया ना. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब दूसरी बात ये डिपेंड करती है, अगर हमारे पास ऑप्शंस काफी लेंथी वैल्यूज दे रखी है ना, तो हम क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे ही जाते हैं, ठीक है बात. अदरवाइज तो देखो अब बिल्कुल सिंपल है. तो ए ऑप्शन पुट करके देखो भाई, पहले बताओ रिजेक्ट होगा या फिर राइट होगा. यहां से है स्टार्ट, ये बताएंगे पहले, बिल्कुल इजी, ज्यादा क्विक की कोशिश नहीं करनी है हमें, पहले सॉल्यूशन, ठीक है ना बात. राइट सॉल्यूशन चाहिए सिर्फ हमें. सभी
सभी करेंगे सॉल्व भाई, जिसका रहता है ना वो जरूर करेगा। जब भी रूट्स दे रखे हैं हमें, एक और बात देखिए, ये तो सभी को पता चल गया होगा कि कौन सा कोऑर्डिनेट है भाई, एक्स, कौन सा है वाई, ठीक है हमेशा ठीक। तो चलो करो पुट, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो बोथ आर किसके रूट्स हैं, एक्स की है, ठीक है। अगर ए सेटिस्फाई कर जाता है, ए सेटिस्फाई कर रहा है भाई, तो क्या क्या रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है बात। अब इन दोनों में वैल्यूज क्या है हमारे पास, बी स्क्वेयर बाई ए एंड बी स्क्वेयर, ठीक है बात। अब तुम्हारी मर्जी है पहला किसको टारगेट करते हो, तुम बी स्क्वेयर लेके चलोगे या फिर बी स्क्वेयर बाई ए, ठीक है। तो करो सब्स्टिट्यूट, ये ना हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं कई बार, तो y की टर्म से उन्हें रेसिप्रोकल डायरेक्ट लिखें, कोशिश करें, ठीक है ना बात। अब फैमिलियर तो हो चुके हैं, हम काफी सॉल्यूशन कर चुके हैं लेंथी फॉर्म में, ठीक है ना बात। तो एक एक स्टेप हम कट कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो बी स्क्वेयर बाई ए है तो डायरेक्ट यहाँ पे रखूंगा तो बी स्क्वेयर बाई ए भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस, अब बी स्क्वेयर बाई ए है तो इसका मतलब ऊपर चला जाएगा ना भाई, तो बी स्क्वेयर, ओके बी स्क्वेयर बी से, ओके तो बी बाई ए प्लस ए बाई ए, क्या हमें यही चाहिए था, तो सेटिस्फाई कर फर्स्ट आंसर, ओके क्लियर। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाओ, उससे सॉर्ट ये बात रहेगी थोड़ी, ठीक है। वो अगर आप ज्यादा फैमिलियर हैं तो करें अप्लाई, उसमें ना नहीं है करें अप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाओ, सेम है भाई, 3x² - 14x + 8 = 0, तो दैट मीन्स x² - 14/3x + 8/3 = 0, भाई साफ दिखाई दे रहा है, सी है, ठीक है बात, ट्विक के लिए सी है। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन का नहीं आया, साइन की कोई नहीं, देखते हैं बी माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए एक्स एंड प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। हाँ भाई अभी तक आप फैक्टर्स बना रहे थे, ठीक है ना भाई, अब मैं प्रोडक्ट करूं बाय फैक्टराइजेशन फॉर्म पे चलते हैं भाई, मिडल टर्म सेपरेशन पे चलते हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या मिलनी चाहिए मुझे, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी एंड सम सी माइनस डी। तो ये देखो अब जब भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की बात आती है तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे अगर यहीं पे डिजिट्स होते तो काफी क्विक रिस्पांस देता हमारा माइंड, ठीक है ना बात। लेकिन आर्बिट्रेरीज को देखते ही हम क्या है पजल हो रहे हैं कि हमें नहीं पता चल रहा। तो अभी तो मेथड आया था तुम्हारे सामने ये वाला, तो क्या करते हैं इससे डिवाइड करें भाई, ठीक है बात, ऑल इक्वेशन को बी माइनस सी से एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए वाई में बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी वाई में बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स वी गेट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मुझे कितना मिलना चाहिए भाई यहाँ से, ए माइनस बी वाई में बी माइनस सी, ओके यही आया ना हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्लियर है। तो ऑप्शन लिखते हैं सबसे पहले इसके क्या क्या दे रखे हैं, ए है a माइनस बी बाय में b माइनस सी एंड वन b ऑप्शन दे रखा है भाई हमें, a माइनस बी इंटू ए माइनस सी एंड वन c दे रखा है भाई b माइनस सी बाय में a माइनस बी एंड वन एंड t इज नन ऑफ दिस, ओके। एक चीज तुम्हें तीन ऑप्शंस में कॉमन दिखाई दे रहे हो, क्या वन, ठीक है बात, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसे भी नहीं ढूंढ रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना चाहिए मुझे, दीज आर टू रूट्स, प्रोडक्ट की तो भाई कितना आया ए माइनस बी बी माइनस सी इंटू वन, तो वी गेट प्रोडक्ट, इज इट क्लियर, बात आ गई सभी को समझ में। अगर इनका प्रोडक्ट करते हैं तो है ही नहीं,
इनका प्रोडक्ट करते हैं तो बी माइनस सी बाय में ए माइनस बी अपोज हो गया ना भाई, क्लियर है ये बात। अब दूसरी कंडीशन क्या बचती थी हमारे पास, सम ऑफ रूट्स की, ठीक है, बी माइनस ए नहीं है बच्चे, बी माइनस सी, ए माइनस बी बाय में बी माइनस सी, कोई बात नहीं जो भी दे रखा है। अब इसमें जो मेरे सामने वो है क्या, इस वैल्यू को क्यों पुट करोगे, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है, ए माइनस बी बाय में बी माइनस सी सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे तो जीरो नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो चेंज कह रहे हैं ये, तो न्यू एडिशन में क्या दे रखा है, ए माइनस बी बाय में बी माइनस बी माइनस ए, अगर बी माइनस बी नहीं नहीं, अगर बी माइनस ए करोगे ना यहाँ पे तो ऑटोमेटिक चेंज होगा यहाँ पे ऊपर से, हाँ यहाँ पे ये नहीं रखा है क्या, नहीं बी माइनस ए है तो ये सी माइनस बी होगा, ऊपर नीचे से कॉमन निकाल नहीं, ऊपर वाला ये अलग मिलेगा वहाँ पे ना, दोनों सेम आ जाती है, जैसे ए भी है यहाँ पे, आप अल्फा बीटा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला उसमें, क्योंकि आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स की कंडीशंस हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, कोशिश इस मेथड की करेंगे, ठीक है बात, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 8। और दूसरा इसका शॉर्टकट मेथड है, कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर्म है जो इसकी, ठीक है ना बात, वो भी शॉर्टकट ही है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे जब भी हमारे पास न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की कंडीशंस रेसिप्रोकल्स मिलती हैं दो टर्म्स में, तो हम क्या अप्लाई करें हमेशा, यहाँ पे देखें एक्स बाय में वन माइनस एक्स है वही, और यहाँ पे क्या है वन माइनस एक्स बाय में एक्स है, क्लियर है ना भाई ये बात, तो इस तरह की कंडीशंस में हम क्या कोशिश करें कि इन्हें कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं यहाँ पे, तो मैंने क्या किया भाई, लेट किया यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स बाय में वन माइनस एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है भाई, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई, तो ये कितना हो गया भाई हमारे पास वन माइनस एक्स बाई एक्स वन बाई ए, क्लियर, दैट्स ऑल, क्वेश्चन ही सोल्व हो जाएगा आपका। तो क्या लिखते हैं, सेवन ए प्लस एट इंटू वन बाई ए इज इक्वल टू 15, क्लियर है, तो हमें क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है यहाँ से, तो क्या आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेवन ए स्क्वेयर प्लस एट इज इक्वल टू 15 ए, सेवन ए स्क्वेयर माइनस 15 ए एंड प्लस एट इज इक्वल टू 0, नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ दैट इक्वेशन एंड पुट द वैल्यू ऑफ दैट, क्लियर है वही बात, सभी को आ गई होगी समझ में, कंप्लीट सॉल्यूशन दो आप मुझे इससे आगे, इसका रूट्स निकालो, इसके ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, सॉल्व द इक्वेशन जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड प्लस नाइन इज इक्वल टू फोर टाइम ऑफ रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस सिक्स जेड प्लस सिक्स, ठीक है भाई। अब देखो एक बात, तो हमारे पास क्वेश्चन देखते ही ऑप्शंस तो है ही हमारे पास, लेकिन ऑप्शंस में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, मे बी दो ऑप्शंस अगर सेटिस्फाई कर गए हमारे तो भी दिक्कत आ चुकी है ना, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जैसे ही मैंने देखे तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो फर्स्ट ऑप्शन है जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में, जैसे ही हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो लेंथ ही होगा भाई, ठीक है ना बात, क्योंकि वहां पे होल स्क्वायर की कंडीशन खोलेंगे और फिर थोड़ा सा आगे चेंज करेंगे। अब दूसरी बात आती है, अगर एक साइड में कभी भी स्क्वेयर रूट दे रखा है, ठीक है ना बात, तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड हम अप्लाई करते हैं, ठीक है बात, अगर हम यहाँ से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो एक बात देखो, जेड स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या होगा, जेड रेज टू पावर 4, तो हम कहां चले गए, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, दैट मीन्स फोर्थ डिग्री इक्वेशन आ गई, और फोर्थ डिग्री इक्वेशन के रूट निकालने और ज्यादा टिपिकल हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है ना बात, हाँ, तो अब एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे जेड स्क्वेयर माइनस सिक्स जेड प्लस नाइन है, जेड स्क्वेयर माइनस सिक्स जेड प्लस सिक्स है, तो हम
कुछ ऐसी कोशिश करते हैं कि ये दोनों इक्वेट बना लेते हैं, कोई एक ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों एक जैसे हो जाएं। वैसे तो फर्स्ट टू टर्म्स तो एक जैसी हैं, लेकिन मुझे क्या करना है कि स्क्वायर रूट की कंडीशन के लिए इसे पूरे को कंप्लीट सब्स्टिट्यूट करना है मुझे यहाँ पे। इज इट क्लियर, बात आ गई होगी समझ में? तो मैंने क्या किया, 9 को सेपरेट कर लिया। क्या मैं 9 को 6 प्लस 3 लिख सकता हूँ? यस, बात बन जाएगी। तो चेंज कर देते हैं यहाँ पे, जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड प्लस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड प्लस 6। आई भाई कुछ बात समझ में? अब क्या करना चाहिए, देखो एक साइड स्क्वायर रूट की कंडीशन, तो मैंने लेट कर लिया भाई यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 6 जेड प्लस 6 इज इक्वल टू ए। बात आ गई होगी ना सर? अब देखते हैं, तो ए प्लस 3 इज इक्वल टू 4 रूट ऑफ ए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। Yes, sparing on both sides. तो ये a plus 3 का whole square 4 root a का square, ठीक है ना बात? तो कितना हो गया भाई? a square plus 9 plus 2 a 64 a कितनी लगी? Now solve it. a की value मिल गई तुम्हें, a यहाँ पे लिखते quadratic equation आ गई। जो भी जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सभी की सभी यहाँ से मिलेंगे तुम्हें, ठीक है? दो ही आने वाली, ठीक है? जो जो सेटिस्फाई करने वाली है, क्लियर है? सॉल्व इट, कंप्लीट करो भाई इसे फटाफट। कैसे 16 आएगा भाई, 8 नहीं है 16 है, ठीक है?